नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और इस वक्त हमारा बिहार का चुनावी सफर पहुंच चुका है बिहार के निखरेल गांव में। और ये गांव हम आपको दिखाते हैं जहां पे बाढ़ग्रस्त इलाका है। ये भी यहां पे भी बाढ़ से परेशानियां होती है लोगों को। ये जो झुग्गी झोपड़ी आप देख रहे हैं, ये उसी बाढ़ से एक तरीके से खत्म हो जाती है। लोग फिर से वही अपनी मेहनत मजदूरी के साथ दोबारा से उसको शुरू करना पड़ता है। लोग यहाँ पे जो है वो भी इस चीज से हमेशा दो चार होते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं कि आखिर बाढ़ का क्या करें। नदियां इतनी है लेकिन किसी भी चीज की निकासी नहीं है। बाढ़ में ये खुद नदी में जलमग्न हो जाते हैं। इन्हीं से बात करते हैं। क्या लगता है किस तरीके से बाढ़ में क्या दिक्कत क्या होती है? पूरा दिक्कत हो जाता है हम लोग। क्या दिक्कत होती है? आने में जाने में इधर उधर बाल बच्चा सब बच्चे छोटा छोटा बच्चा को हरदम परेशानी होता है। पहरा करते हैं, सब में पानी आ जाता है। इधर पानी उधर पानी, हर जगह पानी से जलामय हो जाता है। सड़क भी पानी पानी है। इस सब में सब रोड पर इतना पानी हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो बच्चा सब को संभालना पड़ता है। हाँ। तो क्या काम करेगा, बच्चे सब को संभालते संभालते दिन। तो आपके घर वर का क्या होता है फिर उस टाइम पे? कुछ नहीं, कहाँ खाएंगे कहाँ बनाएंगे, कोई ठिकाना नहीं रहता। तो उसमें सरकार कुछ मदद करती है आपकी? कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं देती है। तो पहले 2 साल पहले मिला था 6,000 रुपया बाढ़ पीड़ित में। अच्छा। 2 साल पहले, उसके बाद फिर 4 साल मैंने अगले साल इस साल कुछ नहीं हुआ। तो इस बार जो विधायक है, हाजी विधायक जो है, वो कुछ नहीं करते आप लोगों के लिए? हाजी सुभान जो है ना। हाँ। तो सब तो जोर मरा है सर, जबकि रोड जो हम लोग डगरुआ है मेन रोड, रोड बना देते हैं, उनको हम लोग धन्यवाद करते हैं। अच्छा। सिर्फ रोड बन जाता है। अच्छा। और कुछ नहीं चाहिए। तो इस बार जो चुनाव चल रहा है, इस बार लालटेन भी है, पतंग छाप में चले गए। जो रोड बनाएगा उसी को हम लोग वोट देंगे, बात खत्म। डगरुआ मेन रोड। अच्छा। बस हम लोग कुछ नहीं चाहिए, वही रोड चाहिए मेन रोड। तो मेन रोड चाहिए आप लोगों को बस, ताकि मने ऐसा ही रहे हम लोग जाने आने में। इसलिए हम लोग बिजनेस वाला आदमी है, रोज जाते हैं खोक्सी बाग गुलाब बाग, और वो मने जर दिन रास्ता में हम लोग हालत खराब हो जाता है। कोरोना में काल में लॉकडाउन में आपकी मदद हुई कुछ? कुछ नहीं, कुछ हाँ, नहीं मिला। 3,000 रुपया सरकार दिया था। अच्छा। हाँ, 3,000 रुपया। और कुछ? और कुछ नहीं, सिर्फ राशन वासन। राशन, हाँ राशन सर मिला था 2 बोरा। 2 बोरा अब नहीं मिलता राशन? अब नहीं मिलता। सबको तो मिलता है गांव में, और गांव में तो मिलता है इसके आसपास। यहाँ नहीं मिला, मात 2 बोरा मिला था, 50 किलो गेहूँ, 50 किलो बादाम भी मिले हैं। बादाम भी मिलते हैं, सरकार कहती है कि बादाम भी मिलते हैं। तो नीतीश कुमार पसंद नहीं है? नीतीश कुमार किसी भी तरीके से सब पसंद है, सिर्फ डगरुआ वाला रोड बन जाए ना। हाँ। डगरुआ से गुलाब बाग जाने में हम लोग आराम हो जाए, बात खत्म। क्या हो सानू बात ठीक कर? फूल छाप में इस बार कुछ करोगे? दोनों छाप रहे लेकिन। अरे तो वोट तो दोगे ना किसी को? अभी पहले वोट दे, जो काम करेगा उसी को पहले तो वोट देना पड़ेगा ना। तो पहले वो कहेगा तब ना, जो हम लोग रोड बनाएंगे गछेगा तो उसी को वोट देंगे हम। अच्छा। हाँ। तो देखा किस तरीके से इस गांव की जो समस्याएं हैं, लोग कितने परेशान हैं कि रोड नहीं है, रोड के लिए हम इतना परेशान है कि जब पानी आता है तो नाव में बैठ के इधर उधर जाना पड़ता है। जो काम करते हैं वो रोजगार खत्म हो जाता है। जब रोजगार खत्म हो जाता है तो ये सरकार से उम्मीद लगाते हैं तो सरकार इनको विस्थापित करके इधर उधर रख देती है। जब इधर उधर रख देती है तो फिर से अपनी झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी को तैयार करते हैं, फिर से उसमें नया बसेरा खड़ा करते हैं, फिर से उस चीज को अपने जीवन को शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं इनको, ये यहाँ पे काम करते हैं। बारिश में बाढ़ में क्या परेशानी होती है? चा क्या परेशानी? क्या क्या परेशानी होती है? बारिश जब आती है, बाढ़ जब आती है, नेता तो आते नहीं होंगे, तो आने जाने में परेशानी, समस्या आ जाता है, समस्या खराब हो जाता है, आने जाने में तकलीफ होता है। नेता तो आते नहीं होंगे बिल्कुल भी? कोई नहीं, कोई नेता नहीं। तो मदद नहीं होती कुछ भी? हमको तो अभी तक मदद नहीं मिला है। अच्छा। तो इस बार चुनाव आ रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, तो ये कुछ मदद मिल पाएगी, कुछ उम्मीद है? हाँ। क्या किस छाप पे उम्मीद है कि क्या? अभी कौन छाप चल रहा है हमको तो पता नहीं, कौन छाप चल रहा है अभी। अच्छा। कमल छाप है, पतंग छाप है, लालटेन छाप है, कौन छाप रहे? जो काम करेगा उसी को वोट देना। लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर नेता आए, हमारी बातें सुने, हमें कुछ आश्वासन दे, लेकिन यहाँ ना तो लोगों को सुविधा मिल पाती है और ना ही लोगों को उसकी उन जरूरी चीजों का समाधान मिल पाता है कि उनको आखिर क्या करना है। ये लोगों के कहना है कि यहाँ से जो मेन रोड तक रास्ता जाता है, बस एक वो ही बन जाए
तो वही विधायक जी का 5 साल का काम अभी गिनती में आएगा। लेकिन रोड तो छोड़िए, विधायक यहाँ आना भी पसंद नहीं करते। कैमरामैन राजेश के साथ प्रदीप कुमार, बिहार।